देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर निकली जनजागरण यात्रा बड़नगर विधानसभा पहुंची। बड़नगर विधानसभा ग्राम चीकली में कुंवर जितेंद्र सिंह द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यात्रा का इंगोरिया खरसोत कला में भी स्वागत किया गया। बड़नगर कोर्ट चौराहे पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस कमेटी PCI सदस्य मुरली मोरवाल के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में कांग्रेस कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी संजय कपूर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी जन जागरण यात्रा को लेकर बड़नगर पहुंचे। सभा स्थल पर हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, हर गरीबों को रहने के लिए मकान दिए जाएंगे, खेतों के लिए सड़क बनाई जाएगी, किसानों की फसलें 2500 रुपए क्विंटल खरीदी जाएगी, युवाओं के लिए रोजगार दिए जाएंगे। उन्होंने अपने भाषण में मध्य प्रदेश में बलात्कार की स्थिति नंबर 1 बताई है। मंदसौर कांड को भी याद किया। एक तरफ मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के करोड़ों रुपए रथ पर बर्बाद कर रहे हैं और 25-25 फीट के रथ के ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप ही देख लीजिए कि कितना बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब जनता को जाग जाना चाहिए और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनानी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद सभाओं में किसानों को रोजगार, किसानों को की हत्या क्यों हुई, उनकी आत्महत्या क्यों हुई, रोजगार क्यों नहीं है, बच्चों के साथ उत्पीड़न क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप 2.5 करोड़ के रथ में गरीब का बेटा कैसे घूम रहा है, इसका उत्तर दें तो प्रदेश की जनता को समझ में आएगा कि आप आशीर्वाद लेने आए देने आए। ये मध्य प्रदेश की जनता का इतना बड़ा जनसमुदाय बताता है कि उनकी विदाई यात्रा चालू हो गई है, उसमें जनता उनको आशीर्वाद देती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।